बैक टू माई चैनल. तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कपल ऑफ मेकअप वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं. जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत ही अच्छे और इजी हैं, बिगनर्स फ्रेंडली हैं. तो मैं कमेंट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूँगी, तो आप जाकर देख लीजिए. आज हम जिस वीडियो पे काम करने वाले हैं वो है हेयर स्टाइल. हम सबके साथ होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है कि वी हैव यू नो बैड हेयर डे. तो हमें बाहर जाने का मन नहीं करता ब्लो ड्रायर के लिए या फिर कर्लिंग या प्रेसिंग के लिए. तो यहाँ हम घर बैठे हीटलेस एक स्लीक बन, सेलिब्रिटी स्टाइल स्लीक बन बनाएंगे. बहुत ही सुंदर लगता है मुझे तो, मेरा तो पर्सनली फेवरेट है वो स्लीक बन लुक. तो साथ में क्रिएट करते हैं और मैं आपको उसके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ प्रोडक्ट्स जो लगने वाले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में इंक्लूड करके और यूज़ करके बताऊंगी कि उन्हें कैसे यूज़ करना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि हम सबके साथ एक बैड हेयर डे होता है, राइट? हम नहीं जाना चाहते, वी डोंट वॉन्ट टू गो पार्लर एंड डू यू नो सिटिंग एंड वेटिंग फॉर आवर्स एंड यू नो डू हेयर ड्रायर, ब्लो ड्रायर एंड कर्ल्स, वो इतने हीट वाले. तो हम कुछ नहीं करना चाहते, हमें बस यूँ चाहिए एक अच्छा सा हेयर डू. तो उसके लिए मैंने सोचा, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे बाल ऐसे वेवी हैं, ये टेक्सचर है मेरे बालों का, तो मैं इनके साथ कहीं जा नहीं सकती. तो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होता है, तो बार बार जाओ वहाँ वेट करो इतना, उससे बेटर है कि मैं घर पे बैठ के एक अच्छा सा हेयर डू करूँ. तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें कोई तो हीट नहीं लगती है और दूसरी बात ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. और जब आप वो जो लुक क्रिएट होता है ना, तो आप एक क्राउड में ना स्टैंड आउट करते हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि सब बाल खोले रहते हैं यार, मुझे हर समय बाल खोलना पसंद नहीं, तो बन कभी कभी बहुत अच्छा लगता है. तो मैंने सोचा कि चलो जो मुझे अच्छा लगता है मैं भी आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ, यू आर माई फैमिली आफ्टर ऑल. तो मैंने सोचा कि मैं अपने ये जो थॉट है और ये जो मैं जिस तरीके से मैं स्लीक बन बनाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो अगर इफ़ यू हैव अ बैड हेयर डे यू कैन ऑल्सो मेक दैट स्लीक बन और ना क्राउड में स्टैंड आउट करो स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. बन के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होने वाले हैं वो है, मेन प्रोडक्ट है ये कॉम्ब, अ टेल कॉम्ब. और इसका एक दांत टूट गया है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए. और हमें चाहिए एलोवेरा जेल, एक हेयर टाई और कुछ यू पिंस. पहले मैं खोल लेती हूँ अपने बाल और ये है मेरे बालों का टेक्स्चर, ठीक है? हम एक टेल कॉम्ब से पार्टीशन करेंगे. हमें एक मतलब बिल्कुल सेंटर पार्टिंग चाहिए और बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्प. तो हम ऐसे पार्टिंग कर लेंगे. और हाँ, अगर आपके बाल यहाँ से बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, फ्रीजी हैं या खड़े रहते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा आयन भी कर सकते हो, बट मैं आयन नहीं कर रही हूँ. अब ये जो आँख है इसकी सीधी में ले जाके इसी के पैरेलली हम यहाँ पर अपनी पोनी बनाएंगे सबसे पहले और कीप कॉम्बिंग इट. आपको चाहिए तो आप हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास हेयर स्प्रे नहीं है. हेयर टाई लेंगे और एक पोनी बनाएंगे, टाइट पोनी बनानी है एक. तो मेक श्योर योर हेयर टाई इज क्वाइट टाइट, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, लेंगे एलोवेरा जेल. भाई एलोवेरा जेल बोला है तो आप रियल वाली मत ले लेना, यही वाली लगेगी. और इसको हम यहाँ पे बिठा देंगे. और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है, सेट वेट है या और भी जो मार्केट में जेल आती हैं वो भी ले सकते हैं. उसके बाद हम यहाँ अपने बालों में भी अच्छे से एलोवेरा जेल लगा लेंगे. फिर से टुवर्ड्स हियर हमने
निकालेंगे अपना बन वापस से ये एंड बार फिर हम इसे कोम करेंगे। कोम हमें बहुत नीटली करना है। बन की हाइट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको ऊंची करनी है या नीची रखनी है, दैट इज अप टू यू। अगेन हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके इसको अपनी पोनी टेल को ट्विस्ट करते जाएंगे और ट्विस्ट करते हुए एक बन बनाएंगे। तो आई एम यूजिंग यू पिन टू सिक्योर माई बन, रह गई थी ना ये इसको लगा के हम सिक्योर करेंगे। लुक पीछे से दिखाती हूँ आपको। हाँ देखिए, वैसे तो आपका यही लुक बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको फिर भी जेल की कमी लग रही है तो आप एलोवेरा जेल और लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको और भी नीट और अच्छा लुक देने के लिए, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो ये बेबी हेयर्स ना आ जाएंगे, तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट इज दिस स्लिकअप। फोकस नहीं कर स्लिकअप, और इससे क्या होता है, ये जो बेबी हेयर्स हैं ना हमारे, ये बिल्कुल एक जगह बैठे रहते हैं और बिल्कुल स्कैल्प से चिपक जाते हैं, तो ये ऑप्शनल है, आप इसे एलोवेरा जेल से भी कर सकते हैं, बट मेरे पास है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसको इस तरीके से ऐसे करना है, क्या होगा जो आपके बेबी हेयर्स हैं ना, ये जो बेबी हेयर हैं वो कितना भी आंधी आए, तूफान आए, ये आपके बाल एकदम ज्यों के त्यों रहेंगे, बिल्कुल प्लेस पे रहेंगे, एंड इट इज लुकिंग लाइक अ वाओ, राइट? अच्छा लग रहा है ना। और इस लुक को आप ना केवल वेस्टर्न कपड़ों के साथ बल्कि साड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक मैंने अनुष्का शर्मा को देखा था, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा सिंदूर लगा के और बनारसी रेड साड़ी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था ये लुक। एंड तो या आप इसे इंडियन के साथ, वेस्टर्न के साथ, किसी भी लुक के साथ ये हेयर डू कैरी कर सकते हो, एंड दिस इज़ जस्ट ऑसम। और ये जो मैंने यहाँ किया ना स्लिकअप के साथ, वो आप नीचे से ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी बेबी हेयर्स होते हैं ना, तो ये भी पूरे कवर हो जाएंगे और एकदम चिपक जाएंगे बाल। मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, ये एक प्रोडक्ट और है मेरे पास, विच इज़ दिस वैक्स स्टिक, एंड दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग। इससे क्या होता है कि ये हेयर वैक्स एक्चुअली यू हैव टू पुश फ्रॉम हेयर फ्रॉम द बॉटम एंड इट विल कम आउट लाइक दिस, ठीक है? और इसको आप अपने ऐसे बालों पे लगा सकते हो, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, ये वीडियो मैंने आप ही लगा ली थी, थोड़ा सा क्यों वेस्ट करना, हाँ क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैंने ये वैक्स नहीं लगाया है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, चांसेस हैं कि आपको ट्रैवल करना है, बाल उड़ेंगे, तो आप ये वैक्स, हेयर वैक्स लगा सकते हैं, ये आपके बालों को वहीं रखेगी जहां आप इन्हें प्लेस करना चाहते हैं। तो ये मैं चीज़ बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा ये भी मैं ऐड कर देती हूँ इस वीडियो में। और तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको ये स्लीक बन कैसा लगा मेरा, और आप इनके साथ अगर कुछ नहीं भी पहनेंगे ना कान पे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, जस्ट यू नो गो फॉर द स्टेटमेंट नेकलेस और ड्रेस और एनीथिंग इंडियन वेस्टर्न एनीथिंग। तो आपने देखा कि हमने थोड़े से जो घर में रिसोर्सेज हमारे पास रहते ही हैं ऑलरेडी, उससे एक स्टनिंग सा हेयर डू क्रिएट किया है, एंड विच इज़ लुकिंग अमेजिंग सेलिब्रिटी स्टाइल। इसके लिए, इसको कैरी करने के लिए बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर वो आप में है देन यू विल स्टैंड इन द क्राउड।
तो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये आपको ये बन लुक अच्छा लगा होगा. एंड आप भी करो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. बहुत सारे कमेंट्स में भर दो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट. Till then, bye-bye. Listen.